हेलो एवरीवन वन इन टूडेज वीडियो वट एम गोइंग टू डिस्कस इज अ वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च तो ये दो ऐसी टाइप की रिसर्च है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है सो लेट्स अंडरस्टैंड देम इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर एप्लीकेशन रिसर्च का क्या मतलब होता है दैट यू हैव अंडरस्टूड अ कंसेप्ट आपने कोई कंसेप्ट समझ लिया आपने कोई थ्योरी समझ ली एंड ना हो वट योर गोइंग टू डू इज यूर ट्राइंग टू अप्लाई दिस पर्टुलर कंसेप्ट इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस सीख लिया अपने मार्केटिंग के टॉपिक में यू हैव आइडेंटिफाइड एट वॉट ऑल आर द फैक्टर्स चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो चाहे वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो चाहे वो कल्चरल फैक्टर्स हो आपने सारे फैक्टर्स सीख लिये नाउ वॉट आर डूइंग बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर इट तो जब हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक पर्पस सॉल्यूशन फाइंड करना होता है यूजिंग अ कंसेप्ट और अ थ्योरी इट इज नोन एज एप्लीकेशन रिसर्च और जब हम एक्शन रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए फंडामेंटल एलिमेंट क्या होना चाहिए डेट वी आर बेसिकली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर आप एजुकेशन डोमेन में एजुकेशन सेक्टर में बात कर रहे हैं और यहां पे क्या हो रहा है यू आर ट्राइंग टू टेक एन इनिशिएटिव आर ट्राइंग टू टेक एन एक्शन आर गोइंग टू परफॉर्म एक्टिविटी और उसके बेसिस पे आप चीजों को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने यहां पे एक्शन ओरिएंटेड काम करना है फॉर से एक टीचर को लगता है कि यार मेरी क्लास के अंदर तो बिल्कुल भी इंगेजमेंट क्रिएट नहीं हो रहा इट हैज बिकम वेरी मोनोटनस मैं आता हूं लेक्चर लेता हूं बोल के चला जाता हूं सो हेयर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज लैक ऑफ एंगेजमेंट तो यहां पे वो क्या कर रहा है वो ऑलरेडी किसी थ्योरी या कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर रहा ही इज टेकिंग एन एक्शन एक्शन क्या हो सकता है लेट्स ऑर्गेनाइज अ डिबेट लेट्स ऑर्गेनाइज अटॉमिक सेशन लेट्स ऑर्गेनाइज अ केस स्टडी जहां पर एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाएगी और उसके बेसिस पे इंगेजमेंट क्रिएट किया जाएगा ठीक है सो दैट इज वॉट एक्शन रिसर्च इज ऑल अबाउट देर हैज बी एन एक्शन देर है उसके बाद आप मेजर करते हैं कि पोस्ट एक्टिविटी वेदर द इश्यू जो भी प्रॉब्लम थी वेदर दैट बिन रिजोल्व ऑन नॉट ठीक है बट एप्लीकेशन रिसर्च में आपका सीधा एम सोल्यूशन पे होता है द प्रोसेस और द एक्टिविटी इज नॉट देयर और इज नॉट इंपॉर्टेंट आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर थैंक यू